हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही एक सिंपल सा पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है कोल्ड विद इन। तो कोल्ड विद इन का पोएट का नाम है जेम्स पैट्रिक कीने, जो कि एक बहुत बड़े अमेरिकन पोएट हैं, जिन्होंने ये पोएम 1960s में लिखी थी। और पहले तो ये रिजेक्टेड हो गई थी ये पोएम, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो जल्दी से हम सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और मैं फिर उसका आपको समरी बताऊंगी। Six humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. तो इसमें six humans के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर six humans क्यों लिखे गए हैं? यहाँ पर men, woman ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर poet जो है वो भेदभाव नहीं रखना चाहता किसी भी humans में या फिर human beings में। तो यहाँ पर हम सिक्स ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जो कि अचानक सी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पर बहुत ही ठंड है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लीक एंड बिटर कोल्ड है, यहाँ पर ये कोल्ड को बताया गया है। ठीक है, तो सब सिक्स ह्यूमंस जो हैं उन सबके पास एक स्टिक ऑफ वुड है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक फॉर ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वाज ब्लैक। तो यहाँ पर हमें रेशियल प्रेजुडिस दिखाई दे रहा है कि उन सिक्स ह्यूमंस के सामने एक डाइंग फायर है। ठीक है, और वो जो फायर ही है जो उन्हें बचा सकती है ठंड से, लेकिन जो सबके पास एक एक वुड है। ठीक है, लेकिन कोई भी अपना वुड डाल नहीं रहा है। क्यों? जो सिक्स्थ वुमेन थी, ठीक है, उसने अपना लॉग ऑफ वुड नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि वो जो ग्रुप था उसमें एक जो जन था वो ब्लैक था। ठीक है, तो इसीलिए उसने रेशियल प्रेजुडिस में आकर उसने अपना लॉग ऑफ वुड नहीं दिया, ताकि वो जो ब्लैक है उसको मतलब कि कोई गेन ना हो या फिर कुछ प्रॉफिट उसको गेन ना हो, तो इसीलिए उसने अपना लॉग ऑफ वुड नहीं दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। तो यहाँ पे चर्च का मतलब है रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजन टॉलरेंस देखा जा रहा है कि जो दूसरा मैन था, ठीक है, उसने भी अपना लॉग ऑफ वुड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने देखा कि वो जो ग्रुप में जो छह बंदे थे उसमें से एक बंदा उसके रिलीजन का नहीं था, तो इसीलिए उसने रिलीजन इनटॉलरेंस की वजह से उसने अपना लॉग ऑफ वुड डाइंग फायर में नहीं दिया। फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, ही गेव हिज कोट अ हिच, व्हाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। तो इस पैराग्राफ में हमें हेट्रेड, बिटरनेस एंड एनवीनेस फॉर रिच हमें दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पर्सन था वो मतलब कि टैटर्ड क्लोथ्स में था, मतलब कि फटे पुराने कपड़ों में था वो, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये बहुत पुअर पर्सन था। ठीक है, तो इसने अपना लॉग ऑफ वुड क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने देखा उन छो पर्सन में से एक पर्सन था जो कि बहुत रिच था। ठीक है, तो उसको एक नफरत सी थी और एक जलेसी सी थी रिच पर्सन के थ्रू, तो इसलिए उसने लॉग ऑफ वुड नहीं दिया। फिर उसके बाद रिच मैन के बारे में। अब द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न्ड फ्रॉम द लेजी शिपलेस पुअर। तो रिच मैन जो था वो अपने ग्रीडीनेस में था, वो अपने प्राउड में था। ठीक है, और उसने भी यही चीज देखा कि वो जो सिक्स पर्सन थे उसमें से एक पुअर मैन था, तो उनको कुछ वो मतलब कि वो समझता था कि वो बहुत अनडिजर्विंग है। ठीक है, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अपना लॉग ऑफ वुड क्यों दूं और उसको क्यों प्रॉफिट गेन हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ब्लैक मैन के ऊपर। द ब्लैक मैन स्पेस बी स्पोक रिवेंज एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वाज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्लैक मैन है, ठीक है, उसने देखा कि जो दूसरे पर्सन थे उसमें से एक वाइट था। ठीक है, तो इसने भी रेशियल प्रेजुडिस में आकर अपना लॉग ऑफ वुड फायर में नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये सारे जो सिक्स पर्सन्स थे, ठीक है, कहीं ना कहीं इनों में हेट्रेड थी, जेलेसी थी, ग्रीड था, बिटरनेस थी, ठीक है, रिलीजन टॉलरेंस, इन सब की वजह से क्या हो रहा था कि वो जो फायर थी ना वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से क्या है कि ये लोग मर भी सकते थे ठंड के वजह से। फिर लास्ट मैन, The last man in his forlorn group did not accept for gain, giving only to those who gave was how he played the game. तो last man जो था ये इसमें generosity नहीं थी, ठीक है, he was lacking in generosity. तो
तो क्यों? क्योंकि उसने देखा कि पूरे ग्रुप में किसी ने भी लॉग ऑफ वुड अपना नहीं डाला, तो मैं भी क्यों डालूं। ये सोच रहा था कि जब तक मुझे कोई प्रॉफिट गेन नहीं होगा तब तक मैं भी किसी को कुछ सुख नहीं देने वाला हूँ। फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन देयर स्टिल हैंड्स वाज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, दे डिड नॉट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। तो लास्ट पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि वो जो ग्रुप के जितने भी मेंबर्स थे वो लास्ट में मर जाते हैं ठंड के वजह से, लेकिन वो जो ठंड थी वो बाहर की जो बिटर और ब्लीक कोल्ड थी उसकी वजह से वो लोग नहीं मरे थे। उनके जो मन के अंदर जो ठंड थी एक दूसरे के प्रति या फिर जो हेट्रेड थी उसकी वजह से वो छयों के छह मर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी पोयम है। ठीक है, और जब वो लोग सुबह उठ के मर गए थे तो फिर उन सब के हाथ में एक एक लॉग ऑफ वुड था, जिसको देखने से ये पता चलता है कि उन सब ने ह्यूमन सिन किया है। ठीक है, वो ये सब देखने से पता चलता है कि उन लोगों के अंदर सेल्फिशनेस थी, प्रेजुडिस था, ठीक है, और इनटॉलरेंस थी और रेशियल प्रेजुडिस था। ठीक है, तो ये सब जो है ये सारे उन 6 ह्यूमंस के अंदर थी जिसकी वजह से वो 6 के 6 मर गए। ठीक है, क्योंकि अगर वो लोग चाहते और अगर उन लोग के अंदर ये सेल्फिशनेस, हेट्रेड एक दूसरे की तरफ नहीं होती तो वो लोग अपने आप को बचा भी पाते, लेकिन इन सब की वजह से क्या हुआ कि वो खुद मर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी पोयम थी, और इस पोयम से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं और बहुत इजीली लिखे भी जाते हैं, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आप इस पोयम के क्वेश्चंस अटेंड करोगे तो। तो इस पोयम में स्पेशली एक ट्रेजिक डेथ के बारे में बताया गया है, 6 ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ कहीं पर डाउट है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड करती हूँ, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।